पुरातन छात्र परिषद के तत्वावधान में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज की जयंती की पूर्व संध्या पर एक संगोष्ठी का आयोजन दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के सभागार में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर शैलजा सिंह, प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ वर्मा, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, पुरातन छात्र परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद सिंह, प्रोफेसर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर अनिल भास्कर, डॉक्टर राज शरण शाही सहित अन्य शिक्षक और पुरातन छात्र मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह ने किया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुरातन छात्र परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह ने कहा, विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय भवन से शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वावधान में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। मतदाता जागरूकता रैली को डॉक्टर राज शरण शाही और प्रोफेसर सुषमा पांडे ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शिक्षा संकाय भवन से होते हुए कलेक्ट्रेट चौक, गोलघर, गणेश चौक, डीएम आवास से होकर पुनः शिक्षा संकाय भवन में समाप्त हुई। डॉक्टर राज शरण शाही ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश और समाज के लिए कार्य करने वाला छात्र संगठन है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र इस देश की जनता के लिए महान पर्व के रूप में आता है। रैली के माध्यम से बच्चे एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर भारत में एक मजबूत सफल सरकार देनी है तो हर व्यक्ति को अपने घर से हर काम को छोड़ के, हर समस्या को छोड़ के मतदान करना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर राज शरण शाही ने कहा, श्री कृष्ण जी ने ये कहा है कि इस विद्यालय के पठन पाठन की का तरीका अभी तक बहुत ही अच्छा रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी इस बात को मानती हूँ कि जितने भी यहाँ के शिक्षकों से मुलाकात होती है, छात्रों से तो कमी होती है, लेकिन शिक्षकों से मुलाकात होती है, वो वास्तव में एक गंभीर प्रकृति के व्यक्तित्व वाले, उस उद्देश्य को ये महाविद्यालय बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर रहा है। इस समय हम लोग ब्रह्मलीन महंत पूजनीय परम श्रद्धेय दिग्विजय नाथ जी की याद में यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनके कृतित्व की चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। वास्तव में उस व्यक्ति के कार्य इतने अधिक, इतना बहुआयामी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे कि उनके बारे में उनके कृतित्व को लिपिबद्ध करना काम नहीं। और इसके साथ ही जो कुछ भी कोई व्यक्ति कहता है तो वो सिर्फ सूरज को दिया दिखाने के समान है। पूज्य ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के 125वीं जयंती की पूर्व संध्या पर पुरातन छात्र परिषद की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, पूज्य महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो अतुलनीय कार्य किए गए उसका उल्लेख, उसको याद करना और उससे समाज का क्या हित हो रहा है, शैक्षिक क्षेत्र में क्या हित हो रहा है। उन्होंने 1932 में महाराष्ट्र शिक्षा परिषद की स्थापना की। उस दौर में जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो उनका ये मानना था यदि हम अंग्रेज़ों से आज़ाद भी हो जाते हैं तो लेकिन जब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम नहीं करेंगे, हमारे क्षेत्र की जनता यदि शिक्षित नहीं होगी तो हम कभी भी मानसिक गुलामी से आज़ाद नहीं हो सकते। इस को ध्यान में रख करके उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया, 1932 में स्थापना की। और जब विश्वविद्यालय गोरखपुर में नहीं था, केवल एक महाविद्यालय था सेंट एंड्रयूज कॉलेज, उस दौर में उन्होंने दो महाविद्यालयों की स्थापना की, महाराणा प्रताप बालिका महाविद्यालय और महाराणा प्रताप पुरुष महाविद्यालय की स्थापना की। बाद में कालांतर में जब 1950 में विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रकरण चला तो उन्होंने बहुत बड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया। पूरा दोनों महाविद्यालयों को पूरे भूमि, भवन
और सभी संसाधनों, शिक्षक कर्मचारी के साथ विश्वविद्यालय को दान दे करके विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया और उसी के बाद से यह पूरा पूर्वांचल क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में दीनदयाल उपाध्याय गौरव विश्वविद्यालय के रूप में अनवरत बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ से बड़ी बड़ी विभूतियाँ शिक्षा ग्रहण करके समाज के अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। यह इन उपलब्धियों को हम लोग याद करते हुए पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का यह कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित कर रखा है।